नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभि आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है और शंखनाद वो सीएम नीतीश के द्वारा आज फूंक दिया गया है, यानी कि वर्चुअल रैली की शुरुआत आज उन्होंने कर दी। प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्होंने वर्चुअल रैली के दौरान पूरे अपने कार्यकाल की सराहना करते हुए अपने सभी उन कामों को गिनाया जो उन्होंने पूरे अपने 15 साल के कार्यकाल में किया है। इस दौरान उन्होंने किसान के लिए योजनाओं की चर्चा भी की और इसमें ये बताया कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने किसानों के हक की बात की। इस दौरान हमने किसानों के लिए खेतों में फीडर लगवाएं, बिजली के कनेक्शन करवाएं, साथ ही किसानों को 1329 करोड़ की योजनाएं भी दी गई। ये सारी बातों की चर्चा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने किसानों के हक की बात करते हुए ये बताया कि जो पहले बिजली का कनेक्शन आज से 15 साल पहले किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाता था वो 100 रुपये प्रति घंटे के रेट से मिलती थी और अब हमारी सरकार में ये जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये की रेट से ही मिलती है। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ किसानों के बारे में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है, कौन कौन सी बात उन्होंने किसानों के हक के लिए रखी है और क्या कुछ उन्होंने इस वर्चुअल रैली के दौरान किसानों को अपने द्वारा मैसेज दिया है। डेडिकेटेड फीडर कृषि के लिए, अब यह हम लोगों ने तय किया है, जो भी इच्छुक किसान है उनको हम बिजली का कनेक्शन देंगे और उनको बिजली का कनेक्शन बड़े पैमाने पर हम लोगों ने दिया। 1,42,453 किसानों को दिया जा चुका है और बाकी को देने के लिए और विद्युत फीडर की जरूरत है और इसके लिए सरकार ने 1329 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत कर दी है, यानी जितने इच्छुक हैं सबको बिजली पहुंचा देंगे। तब बिजली के क्षेत्र में तो एक एक काम किया और डीजल के लिए भी, भाई पहले डीजल से ही पटवन होता था तो हम लोगों ने कितना रखा है, 1 लीटर पर 60 रुपया बोलिए कंसेशन हम लोगों ने दिया है लोगों को। लेकिन इसके बाद भी अगर लोगों को बिजली, अब लोगों को सिंचाई में 100 रुपये की जरूरत होती थी तो अब ये जो बिजली का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं तो उनको खर्च 100 रुपया की जगह पर 5 रुपया से भी कम हो। तो आप समझ लीजिए लोगों के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कहने के लिए लोग चाहे जितना चाहे उतना कहते रहे, तो चाहे बिजली का हो इसके लिए हो जाए, जो भी काम हो जाए, बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, इसके बारे में बता दिया। और शिक्षा के मामले में क्या था भाई, ये लोग जो बहुत बोलते रहते हैं, क्या था पढ़ाई, लोग चाहते थे कि लोग पढ़े, लोग पढ़ेगा तो सोचेगा ना, कई लोग को पढ़ाने में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। और आप जान लीजिए जब हम लोग आए हमने सर्वे कराया, हम तो भाई जन प्रतिनिधि थे, अपने क्षेत्र में घूमते थे, लोगों का तकलीफ देखते नहीं थे और हम भूल नहीं सकते हैं।